पीनियल ग्लैंड नाम की एक चीज होती है। ये सारे पहलू, योग के तमाम पहलू या योग साधना इसे थोड़ा नीचे ले जाने के लिए हैं। इसे दक्षिण कहा जाता है, इसे दक्षिण की ओर ले जाना। यह शिव का दक्षिण की ओर घूम जाने का प्रतीक है, क्योंकि उनका तीसरा नेत्र दक्षिण की तरफ घूम गया था। जो चीज यहां ऊपर थी वो दोनों आंखों के बीच नीचे आ गई। जैसे ही वो यहां आई, उन्होंने ऐसी चीजें देखी जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। अब अगर ये खास तरह से होता है, The secretions of the pineal, which in yoga is referred to as amrit or amrita or amritam in probably in Sanskrit. Pineal ka straav, jise yog mein amrit ya amrita ya amritam kaha gaya hai, shayad Sanskrit mein. Is amritam ko ya to sharir mein laakar system ko mazboot banaya ja sakta hai aur sharir ke jeevan kaal ko badhaya ya lamba kiya ja sakta hai. Ya is amrit se सिस्टम में आनंद पैदा किया जा सकता है, किसी ड्रग की तरह यह आपको चकाचौंध कर सकता है, या आप इस अमृत का इस्तेमाल अपने बोध को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, ताकि आप हल्की हवा की तरह हो जाएं, क्योंकि तब हर चीज जो यहां है वो आपसे होकर गुजरे। अभी हवा सिर्फ आपके नथुनों से होकर गुजरती है, और आप जानते हैं कि अगर यह ना गुजरे तो आप मर जाएंगे। अगर ये हवा कुछ ऐसे गुजरे कि ये आपके ठीक आर पार निकल जाए, आप में से कुछ लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया होगा, अगर आप बहुत उल्लास में या आनंदित होते हैं, आप हवा में खड़े हों तो ऐसा महसूस हुआ होगा जैसे हवा आपसे होकर गुजर रही है, तब आप 100% पारदर्शी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने अमृत का इस्तेमाल सिस्टम में संवेदनशीलता लाने के लिए किया है। तो ये तीन मूलभूत तरीके हैं। एक है शरीर को मजबूत करना, उसे एक चट्टान की तरह बनाना जो उस व्यक्ति को एक लंबी उम्र देगा, जिसे अधिकांश लोगों द्वारा सुपर ह्यूमन माना जाता है, या अपने अंदर मदहोशी और आनंद का ऐसा स्तर लाना कि आपको परवाह ही ना हो कि आप कितना लंबा जीते हैं, या खुद को पतली हवा की तरह बनाना ताकि आपका बोध बहुत तीव्र हो जाए, क्योंकि शरीर में कोई प्रतिरोध नहीं है। पीनियल ग्लैंड के उसी स्त्राव को तीन अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अमृत या पीनियल ग्लैंड का यह स्त्राव शरीर में सही तरह की भूमिका निभाएगा। जब मैं सही कहता हूं तो मेरी समझ में, अगर वो आपके बोध को बढ़ाता है तभी वो सही है, क्योंकि अगर आप अपने बोध को नहीं बढ़ाते तो आपका जीवन किसी भी रूप में उन्नत नहीं बनता, वो सिर्फ किसी दूसरे की नजर में उन्नत होता है। अगर आप चट्टान की तरह बन जाएं, तो हो सकता है कि जीवन का आपका अनुभव न बदले, बस दूसरे लोग सोचते हैं कि आप लाजवाब हैं। वैसे हम आपसे एक मूर्ति बना सकते थे, और आप वैसे भी एक चट्टान बने हुए हैं। चट्टान की तरह बनने के लिए हमें किसी इंसान की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपके पास चट्टान जैसा दिमाग है तो यह दिक्कत होगी। आप हमेशा सोचते रहते हैं कि आपसे बड़ी चट्टान कौन सी है, आपसे छोटी चट्टान कौन सी है। आपका पूरा जीवन इसमें चला जाता है कि कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा तुच्छ है, कौन सा बेहतर है, कौन सा बदतर है। आप अंतहीन रूप से अपनी तुलना करते रहेंगे, क्योंकि यही एक चट्टान की प्रकृति है, यही भौतिक हकीकत की प्रकृति है। एक बार जब आप भौतिक हकीकत से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, तो कौन बेहतर है, कौन बदतर है, ये एक स्वाभाविक विचार प्रक्रिया बन जाती है। जब आप उससे परे चले जाते हैं, सिर्फ तभी आप इससे मुक्त हो सकते हैं कि कौन बेहतर है और कौन बदतर है। जब कोई अपने मूलाधार पर महारत हासिल कर लेता है, जिसे कायाकल्प कहते हैं, तो आप एक चट्टान की तरह बन जाते हैं। आप शरीर को 1000 साल या उससे भी ज्यादा समय तक बनाए रखना चाहते हैं। जब स्वादिष्ठान साधना की जाती है तो ऊर्जा का एक विस्फोट होता है। आप एक भगवान को जन्म दे सकते हैं, पर शायद आप अपना शरीर खो बैठे। जब किसी भी ध्वनि को आप मणिपुर पर लाते हैं तो सारा शरीर ही उस ध्वनि से गूंज उठता है। जब कोई अपने अनाहत में सक्रिय हो तो उन्हें आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एक ठीक ठाक संतुलित इंसान भी पागल हो सकता है। जैसे विशुद्धि सक्रिय होती है,
आप तंत्र विद्या करने योग्य हो जाते हैं। बिना शरीर वाले जीव स्वाभाविक रूप से आपके पास आने लगेंगे। आज्ञा मतलब बिल्कुल स्पष्टता है। जिस स्तर की स्वतंत्रता ये आपको देता है वो जबरदस्त है। सहस्रार पूरा पागलपन है। जैसे ही ऊर्जा सहस्रार को स्पर्श करती है, आपसे परमानंद बहने लगता है।